फोर्स एक्टिंग बिटवीन एडजेसेंट लेग, ठीक है यार। ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको ऐसे करवाया था ना, डिब्बे वाला करवाया नहीं था, एक एफ फोर्स लग रहा है, इतने सारे मासेज हैं तो इनके बीच में बताओ टेंशन क्या होगी। अरे हाँ अच्छा हाँ सर, सेम हाँ था, सर करवा, बस उसको वर्टिकल में दिखा दिया तो एमजी और लग जाएगा ये। अरे हाँ है ना, हाँ सर, E5 ये ग्राफ वाला है क्या, FX वर्सेस T दे रखा है। तो हाँ सर, यार फोर्स दे रखा है टाइम के साथ, तो फोर्स होता है डीपी बाय डीटी, होता है नहीं होता, हाँ सर, तो डीपी किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी टू, इंटीग्रेट कर दो तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम एरिया अंडर एफ, सही बात है बस। हाँ सर, टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया पी फाइनल माइनस पी इन से। अरे हाँ दिस इज एक्चुअली हाँ टोटल, सर, तो फाइनल मोमेंटम हो गया इनिशियल मोमेंटम प्लस टोटल एरिया, सही बात है बताओ। अब इनिशियली तो रेस्ट पे था, सही बात है बताओ, इनिशियली रेस्ट पे हाँ था, सर, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो गया क्योंकि एम इंटू वी होता है मोमेंटम और वी की वैल्यू जीरो थी, तो फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी फाइनल शुड बी इक्वल टू एरिया, एरिया निकाल दो तो वी फाइनल किसके बराबर आ जाएगा, एरिया डिवाइड बाय मास। अरे हाँ एम हाँ सर, तकलीफ है बेटा, हाँ सर, समझा E4 हो गया E5 हो गया, सर। तो ये जो नेगेटिव में एरिया, उसको मतलब माइनस करेंगे ना टोटल एरिया में से। हाँ हाँ पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, ऊपर सर, ओके, समझा। वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, फिर पार्ट टू में डाउट है E8 एंड E11 है ना, पार्ट टू में यही है ना, E8 ए फायरमैन वांट्स टू स्लाइड डाउन ए रोप, हाँ सर, रोप कैन बियर ए टेंशन ऑफ 3/4 ऑफ द वेट ऑफ द मैन बट इन द मिनिमम एक्सेलरेशन दैट शुड द फायरमैन स्लाइड डाउन। एक आदमी रस्सी को पकड़ के नीचे जाना चाहता है, रस्सी को पकड़े पकड़े, परंतु ये कह रहा है कि रस्सी के अंदर मैक्सिमम टेंशन उसके वेट का 3/4 हो सकती है, टी मैक्स जो है वो 3/4 ऑफ mg हो सकती है, राइट टेंशन, तो इस आदमी के ऊपर अगर नीचे जा रहा है कुछ तो नीचे इस पे एमजी लग रहा है और ऊपर इस पे टेंशन लग रही है, राइट, टेंशन धक्का तो दे नहीं सकती, किसी को खींच ही सकती है ना, आदमी को नीचे धक्का देने से तो रही टेंशन तो पुलिंग फोर्स होती है, आदमी को ऊपर ही खींच सकती है, हाँ राइट। सर, तो ये कह रहा है कि इसका मिनिमम एक्सेलरेशन, तो मिनिमम एक्सेलरेशन मतलब नीचे नीचे का फोर्स तो फिक्स है, तो ऊपर का फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा, राइट, और टेंशन मैक्सिमम होनी चाहिए। अरे हाँ है ना, ए मिनिमम की हाँ वैल्यू है वेट का यस कुछ mg माइनस 3 mg बाय 4, g माइनस 3 g बाय 4 दैट इज g बाय 4। अरे हाँ है ना, आगे चले ना, यस सर, आगे E11 था ना सर, हाँ बेटा बोलो सर आपने ये क्या लिखा है ए और उसके बाद। ए मिनिमम इज इक्वल टू नेट फोर्स mg माइनस 3 mg बाय 4 डिवाइड बाय मास। सर
11 11 यही वाला ना भाई, यहाँ पे कैसे बैच है? और यहाँ पे पूरी लगी हुई है, अरे यही है ना? Yes, sir. यहाँ पे मास कैपिटल एम है और यहाँ पे भी मास कैपिटल एम है, ये कह रहा है कि ये फिक्स है। तो ये बोला है कि टेंसरिंग द स्ट्रिंग विल बी, तो काम करते हैं इस पे, एम जी साइन थीटा लगेगा और यहाँ पे टेंशन टी होगी, यहाँ पे भी टेंशन टी होगी, इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वही एक्सेलेरेशन इसका होगा, सही बात है बोल रहे? एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए, और यहाँ पे देखें तो टी इज इक्वल टू एम इंटू ए जाएगा, समझे मेरी बात? इस एम इंटू ए को टी पुट कर दो ऊपर वाले, तो टू टी की वैल्यू एम जी साइन थीटा हो गई, टी की वैल्यू बेटा एम जी साइन थीटा बाय टू हो गई, नहीं समझे क्या? समझा सर। ये 11 हो गया, और कोई डाउट था क्या? E8 हो गया, E11 हो गया, E4 E5 हो गया, ठीक है भाई ये हो गए, बाकी बाद में डाउट आते हैं। डीपीपी के डाउट व्हाट्सएप करने के लिए बोले थे, एक बच्चा ने बोला मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ द बॉडी इज वेरिंग, इट्स वेलोसिटी मस्ट बी वेरिंग एंड इट मस्ट हैव ए जीरो एक्सेलेरेशन, भाई अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है तो जीरो एक्सेलेरेशन कैसे हो सकता है? और ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, समझ में आ रही है बात? वेलोसिटी वेरी कर रही है तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज तो एक्सेलेरेशन होता है, तो फिर वो जीरो एक्सेलेरेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज वेरिंग, इट्स स्पीड मस्ट बी वेरिंग, ऐसा जरूरी नहीं है, वेलोसिटी का वेरी होना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, राइट? समझ मेरी बात? और इसके मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं, हायर। तो वेलोसिटी का वेरी होना, इसमें से दो चीजें वेरी हो सकती है, मैग्नीट्यूड वेरी हो सकता है या डायरेक्शन वेरी हो सकता है, हो सकता है कि मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट हो और ये वेरी कर रहा हो, सही बात है डायरेक्शन, ऐसे केस में स्पीड तो कांस्टेंट होगी ना, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोला जा रहा है, सही बात है? डायरेक्शन वेरी होने से वेलोसिटी तो वेरी हो जाएगी परंतु स्पीड वेरी नहीं होगी, जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंटली सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, इसकी बार बार वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है परंतु स्पीड तो कॉन्स्टेंट है ना 2 मीटर पर सेकंड, सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत होगी। The body is moving with varying velocity and may have constant speed. नहीं, velocity vary कर गई, ठीक है ना? हाँ, ये कहानी सही हो सकती है, velocity vary कर गई, क्योंकि इसमें direction देखिए बार बार change हो रही है तो velocity vary कर गई, परंतु इसकी speed constant है, magnitude constant है, ये statement सही हो सकती है, right? Third statement सही हो सकती है। A body moving with varying speed may have constant velocity if its direction of motion remains constant. नहीं, गलत है ना? स्पीड वेरी कर गई मतलब मैग्नीट्यूड ही वेरी कर गया, और अगर मैग्नीट्यूड वेरी कर गया तो ऑब्वियसली वेलोसिटी वेरी कर, सही बात है? तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत। अरे हाँ, या ना समझे?
यस अगला क्वेश्चन क्या है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस पोजीशन वर्सेस टी ग्राफ शोन दे रखा है ए बी सी डी ई आर द आर आल्सो गिवन इन द ग्राफ देयर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मींस दे आर इन द प्लस एक्स डायरेक्शन ठीक है ठीक है 4.8 चलो देखते हैं अपने का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में कुछ इस तरीके से ग्राफ दिए रखा है अपने को उसके बाद में यू आ जाएगा ए बी सी डी तो यहाँ पे देखिए तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इसमें से कौन सा बताना है बता दे रहे भैया सर डी वाला डी वाला फ्रॉम फ्रॉम द पॉइंट डी टू ई में देखिए कि पहले पोजीशन नेगेटिव में गया और फिर वापस पॉजिटिव में गया मतलब पहले आपका लेफ्ट में गया फिर राइट में गया सही बात बोलते तो लेफ्ट में जाके फिर इसका स्लोप जीरो हो गया मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई सही बात है यहाँ पे yes. और फिर वापस राइट में गया तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन राइट में रहा होगा अरे हाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा है थ्रू द मोशन और स्पीड जो है वो पहले डिक्रीज की है जीरो हो गई फिर स्पीड इंक्रीज की है आपको तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव थ्री ऑप्शन इसका सही हो सकता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव और जीरो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे देखिए नेगेटिव है पहले लेफ्ट में जा रहा था ठीक है ना एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग स्पीड इंक्रीजिंग नहीं है देखिए पहले डिक्रीज किए स्पीड उसके बाद इंक्रीज किए राइट समझ में आ रही है यस अरे भाई फोटो खींच के भेजो डीपीपी 13 का क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे थोड़ी है मेरे पास डीपीपी नहीं है इसलिए तुमसे कह रहा हूँ फोटो खींच के भेजो अरे इतने सारे डाउट पूछ लिए तुमने कौन सी डीपीपी के पूछ रहे हो भाई 589 हाँ जी 14 के 14 10 इतने सारे डाउट मत पूछ रहे हो जो बच्चा पूछ रहा है a वेक्टर एंड b वेक्टर टू नॉन जीरो वेक्टर a plus b is equal to mod of a minus b by 2 भाई ये a plus b का फॉर्मूला लगा दो ना इसमें mod of a plus b is equal to mod of a minus b by 2 इसमें a plus b का मोड का फॉर्मूला लगा दो और इसमें a minus b के मोड का फॉर्मूला लगा दो और फिर a की जगह 2b रख दो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 किसका है कि फंक्शन ये दे रखा है मैक्सिमम और मिनिमा क्या होगा भाई इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर इक्वल टू 0 पुट कर क्या दिक्कत है इसमें हां भाई
विवेक सेम फिफ्थ वाला नहीं सिक्स्थ वाला अगर फिफ्थ According to the VT graph, choose the correct option. Distance traveled. यार ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करवाया है अभी से यार. Rectilinear में. ऐसा क्वेश्चन क्लास में नहीं करवाया तुम्हें. सर वो आंसर. हाँ जी. आप डाउट में पूछना फिर मेरे से दोबारा. ठीक है. क्लास में करवाए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन. आप जो पूछ रहे हो वो डाउट में पूछना मेरे से. चलिए अभी लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था ये बताइए आप. न्यूटन्स लॉज ऑफ सिस्टम. हेलो यस सर. रिंग मशीन चालू. यस सर. रिंग मशीन. नो सर हमारा ये खत्म हो गया था. हम अभी न्यूटन्स लॉज फॉर सिस्टम कर रहे थे. उस पे आपने क्वेश्चन दिया था सर. न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम हो गया था. तो यार वेइंग मशीन क्यों बोल रहे हो फिर आप. पढ़ा दिया था ना ये. पढ़ा दिया था. हाँ सर. इसलिए फॉरेस्ट सिस्टम में क्वेश्चन दिया था आपको है ना. हाँ सर. ये ऑब्जेक्ट है ए. इसका एंगल है थीटा और इसके ऊपर एक मास है एम. और सिस्टम को टू केजी बोला था. ये 2 केजी और ये वाला 5 केजी और ये एंगल 37 और सिस्टम को रिलीज किया गया रेस्ट से है ना. यस सर. तो दोनों का एक्सेलरेशन बताना था. तो मान लेता हूँ इसको ए बोल देता हूँ इसको बी बोल देता हूँ. ठीक है बेटा. एक बात बताओ सबसे पहले तो मैं बी पे बैठ गया तो मेरे को बी का मौसम तो दिखाई नहीं दे रहा. बी किधर जा रहा है वगैरह वगैरह वो सब चीजें दिखाई नहीं दे रही. मेरे लिए बी क्या आ गया रेस्ट पे आ गया. सही बात है. हाँ सर. यस. अब मैं केवल ए को देख रहा हूँ. तो ए मेरे को कैसे दिखाई देगा मूव करता हुआ. केवल इसके ऊपर स्लाइड करता हुआ दिखाई देगा. सही बात है. तो विद रिस्पेक्ट टू बी जो ए का एक्सेलरेशन है वो केवल इसके अलोंग हो सकता है. राइट. यस सर. यहाँ पे मैं ए के बारे में स्मॉल ए क्या है. स्मॉल ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए. ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ठीक है. तो मतलब सर अब ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है काम तो मेन काम तो वही कर रहा है ना. उसको ए भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है और बी भी चलता हुआ. उसके लिए जो वेज बी है ग्राउंड वाले आदमी के लिए वो राइट में मूव कर रहा है. चलो उसके ऊपर जो आदमी खड़ा उसको तो नहीं दिख रहा परंतु ग्राउंड वाले आदमी को तो दिख रहा ना कि ये राइट में मूव कर रहा है. बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज बी. सही बात है. यस सर. बी क्या है. एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब एक बात बताओ ये एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है. एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी. आई एम. यस सर. एक्सेलरेशन ऑफ ए एक्चुअली क्या होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. जो ए का बी के रिस्पेक्ट में है उसमें बी का जोड़ दो. सही बात है बोलते. क्योंकि ये तो बी के रिस्पेक्ट में दिखाई दे रहा है तो खुद ये बी के साथ साथ ये खुद भी तो आगे जा रहा है. ये तो बी के रिस्पेक्ट में इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है परंतु जैसे जैसे बी आगे जा रहा है वैसे वैसे ये भी तो आगे जा रहा है. अरे हाँ. हाँ सर.
इसके पास बी के रिस्पेक्ट में तो हो गया ए एक्सेलरेशन और बी आगे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन हो गया, सही बात बोल रहे। तो इसके पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये दो एक्सेलरेशन है, नहीं पता किसी को? है क्या? अब एक बात बताओ, सबसे पहले मेरे को ए और बी की वैल्यू निकालनी है, मेनली बात ये है। तो यहाँ पे मैं ये जो सिस्टम इसको लेके चलूँ एक बार, तो इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, सही बात है बोलो? हाँ सर, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स on system A plus B. A और B के सिस्टम को मिला के अगर आप horizontal force के बारे में बात करें तो कोई भी horizontal force नहीं है ना। तो यहाँ मतलब जो भी force है उसका x component तो zero होगा। हाँ, कोई भी horizontal force नहीं है, A के ऊपर mg नीचे की ओर है, बी के ऊपर भी एम जी नीचे की ओर है, नीचे से ग्राउंड जो नॉर्मल लगा रहा है वो भी है, जो भी इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो तो इंटरनल हो गया ना, ए और बी के बीच में लग रहा है नॉर्मल, वो तो इंटरनल हो गया। यस सर, बाहर से कोई हॉरिजॉन्टल पे फोर्स है क्या? नहीं। तो एफ एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो किसके बराबर होगा? एम ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्लस एम बी acceleration of b in horizontal direction, सही बात है बोलोगे? हाँ सर। और ये f external horizontal direction में जीरो है, तो ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए, अरे हाँ है ना? Yes sir। m a कितना है? 2 kg का। और इसका acceleration horizontal में कितना है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसके पास दो acceleration हैं, एक तो b और एक a। B तो पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल में है, A का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा कि जो हॉरिजॉन्टल में है। Yes sir। तो ये एंगल जो है वो 37 है और ये A है, A का ये एंगल कितना हो गया? 37 हो गया। 37। तो A का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ? A cos 37 हो जाएगा। हाँ सर, A cos 37। और लेफ्ट में एक्सेलरेशन है A cos 37। प्लस 5 केजी का जो ब्लॉक है, 5 मास की जगह, तो acceleration of b in right direction is b, that should be equal to 0, सही बात है बहुत बार? Yes। यहाँ से एक relation आ गया a और b के बीच में, क्या relation आया बताओ? टू बी माइनस cos 37, cos 37 होता है 4/5 is equal to 7b, प्लस 5b should be equal to 0, यहाँ से आ गया हमारे पास 7b is equal to 8a by 5, 35b is equal to 8a, सही बात है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। तो ये एक इक्वेशन आ गई, पहले तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम पे लगाया हमने, कि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो, m1 a1 प्लस m2 a2 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, सही बात है बेटा? यस सर। A और B के बीच में रिलेशन आ गया, अब आपको क्या करना है? सर, A और B का अलग अलग निकालना पड़ेगा। हाँ, किसी एक को सॉल्व करना पड़ेगा, या तो 5 kg को कर लो या यस सर A को कर लो। तो सबसे पहले 5 kg को करते हैं, चलो 5 kg का एवरी बनाते हैं। तो 5 kg का जो ब्लॉक है, वेज है, उसके नीचे लग गया एक 5G, एक यहाँ से नॉर्मल हो गया एनलेस, और एक यहाँ से जो A वाला ब्लॉक नॉर्मल लगा रहा है वो वाला, राइट? यस सर। अब इसका एक्सेलरेशन राइट में है, ऑब्वियसली वर्टिकल के सारे फोर्स तो कैंसिल कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल में ये वाले फोर्सेस का तो वो कंपोनेंट है नहीं, केवल इस नॉर्मल का ही है, राइट? यस सर। इस नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना होगा बता सकते हो? ये एंगल सर वो 37 है, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल हो गया, ये 37 है,
तो वो तो 37 होगा वो वाला, 53 हो गया ना। यस सर, ये एंगल 53 हो गया ओरिजिनल के साथ। ये आ गया n cos 53, सही बात है लोगों का? यस सर। ये आ गया n sin 53, तो ओरिजिनल का फोर्स बराबर ओरिजिनल का मास इनटू ओरिजिनल का एक्सेलरेशन, तो n cos 53 n into 3 by 5 should be equal to 5 into b, सही बात हो गई? Yes। अपन इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन लगा सकते हैं, मैंने बताया था आपको हॉरिजॉन्टल में लगा दिया, क्या हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है और ये एक्सेलरेशन हो गया, तो नॉर्मल की वैल्यू होगी बेटा 25/3 × b, लेकिन अभी हमने दूसरी इक्वेशन बढ़ा तो ली लेकिन एक वेरिएबल और इन्वॉल्व हो गया, कौन? नॉर्मल। इसके लिए अपने को तीसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो ये जो छोटे वाला जो ब्लॉक है उसका एपीडी बनाते हैं, ये वाले का 2 kg वाले का, सही बात है बोलवा? यस सर। एक तो नीचे लग गया 2g और एक लग गया यहाँ पे नॉर्मल, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? लगेगा क्या इसमें नीचे 2g और एक यहाँ पे नॉर्मल, और तो कोई फोर्स नहीं है, तो इसमें आप वर्टिकल डायरेक्शन चूज कर लो, या तो वर्टिकल चूज कर लो या हॉरिजॉन्टल चूज कर लो या फिर अलोंग द इंक्लाइन चूज कर लो, कौन सी चूज करूं बताओ? अपने को नॉर्मल कैलकुलेट करना है ना? यस। तो एक काम करते हैं, अलोंग द इंक्लाइन चूज करते हैं, समझ में आ रही है बात? इससे फिर अपना नॉर्मल आएगा नहीं, मतलब यहाँ पे है ना अलोंग द इंक्लाइन चूज करता हूँ तो इसमें नॉर्मल ही नहीं आएगा, तो ये इस ये वाला केस अपने वैसे ही सॉल्व कर लिया, वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हाँ भी, तो ये वाले डायरेक्शन चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2g sin 37 आएगा, सही बात है बोलते हैं? यस सर। और ये आएगा 2g cos 37, ठीक है? तो ये वाले डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है? इधर एक्सेलरेशन इसका a था, इधर एक्सेलरेशन इसका b था, अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे अपन, बनाए थे ना, ये देखो a और b, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अपने एक्सेलरेशन चाहिए, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये तो पूरा पूरा इस डायरेक्शन में है ही, और एक बी का भी कंपोनेंट आ गया बी कोस 37, तो 2g sin 37 शुड बी इक्वल टू 2 kg का मास इनटू a माइनस b cos 37, राइट? देखो यहाँ पे अपने ये इक्वेशन जो है ना बीच में जो बनाई थी इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे यहाँ पे ए और बी में रिलेशन आ गया, यहाँ पे एक ए और बी में रिलेशन हो रहा है, सही बात है बताओ? नॉर्मल निकालने की जरूरत ही नहीं। यस सर। ठीक है बेटा, वो तो चलो बना लिया पहले, पता नहीं। तो ये किसके बराबर आया? 2g 20 × 3/5 शुड बी इक्वल टू 2 × a − 4b/5, कितना आएगा बेटा ये? तो इसको सॉल्व कर लोगे,
कितना आएगा इसमें, 40 आएगा तो 35 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 8 इंटू बी इज इक्वल टू 6। देख लो यार ये कितना आएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सर वो 35 बाय 8 आपने क्या किया, यहाँ से एक ही वैल्यू कट की देख। ओके सर, 35 बाय 8 समझ में आ रही है तो बात। हाँ सर, वो यहाँ पुट कर दी, यहाँ से बी आ जाएगा वैसे ही ए आ जाएगा, और अगर नॉर्मल निकालना हो तो बी की वैल्यू आने के बाद यहाँ से नॉर्मल निकल जाएगा। सही बात है बोलता। यस सर। सर वो सेकंड इक्वेशन कैसे आया फिर से बता सकते जरा? सेकंड इक्वेशन आया इस ब्लॉक पे अलोंग द इंक्लाइन न्यूटन्स लॉ लगाने से, अलोंग द इंक्लाइन इस पे केवल ये एक ही फोर्स है। सही बात है मतलब? हाँ सर। तो ये फोर्स बराबर इसका मास और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में ए तो पूरा आ गया और बी का कंपोनेंट आ गया बी कोस 37, तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना रह गया, ए माइनस बी कोस 37। अरे हाँ है ना? सर वो इक्वेशन वन के बाद जो आपने निकाला उसको एनालाइज कर सकते हो क्या? क्या कह रहे हो बेटा? सर आपने इक्वेशन वन निकालने के बाद जो पार्ट क्या है उसको जरा एनलार्ज कर सकते हो क्या? इसको अभी बता दो किसको क्या दिखाना है। हाँ सर, हाँ सर ये यही पार्ट थोड़ा ऊपर डायग्राम के साथ, ठीक है? नहीं सर थोड़ा राइट, डायग्राम नहीं दिख रहा। हाँ सर, हाँ जी छाप लिया क्या सभी ने? सर थोड़ा सा ऊपर जो ना थोड़ा जूम आउट, अभी देख लो दिख रहा है क्या? हाँ सर थोड़ा सा जूम इन। हाँ सर, हाँ सर हो गया।
हाँ जी हो गया बेटा, आगे चलता हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन और आएंगे, कर सकते हो ना आप लोग, या एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको। अरे क्वेश्चन और दूं क्या? चलो एक और देता हूँ, ठीक है देखो। All surfaces are rough. All surfaces are smooth. Find acceleration of wedge and flow. Okay, beta. चले बेटा सॉल्व करूं मैं। हाँ सर। यस सर। क्या तुम खुद करना चाहोगे एक बार घर से? बताओ, घर से करने का मतलब है कि पूरे मन से ट्राई करना, ठीक है?
करूं या करोगे बताओ? सर सर आप कीजिए, समझ नहीं आ क्या करें। ये ब्लॉक के दो एक्सेलरेशन मान लिए, ये बी के रिस्पेक्ट में इधर जा रहे हैं। और उसके साथ साथ इधर भी जा रहे हैं। और ये ब्लॉक सही बात हो गया? यस सर। तो सबसे पहला रिलेशन जो अपन ने लास्ट टाइम निकाला था वो ये कहता था कि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है सिस्टम पर, इसलिए इक्वल टू जीरो कर दिया था। क्या वैसा आप है? ए और बी को अगर सिस्टम ले लें तो क्या हॉरिजॉन्टल पर कोई फोर्स नहीं है? इसको एज ए सिस्टम लेकर अपन एबीडी बनाते हैं। और पुली जहां पे अटैच होती है ना उसको सिस्टम के साथ मान लिया जाता है, राइट? टेंशन लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कि चलो नीचे एमजी वगैरह लग गए और ये इंटरनल नॉर्मल हो गए, वो उनको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ की टेंशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो इंटरनल होगी। इतना इस पे लगेगी उतना इस पे लगेगी, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एमजी लग गया, एक यहाँ पे एमजी लग गया, सही बात है? एक यहाँ पे नॉर्मल लग गया, ये बात। यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन, ये बनाने की जरूरत है या नहीं है? ये बी ने ए पे या ए ने बी पे नहीं लगाया, ये बाहर से लग रहा है, बाहर से रस्सी बांध के और ये पुली दीवार से अटैच है और यहाँ पे लग रही है, सही बात है? तकलीफ है किसी को? नो सर।
सर एक्सेलेशन आ गया है बच्चों का 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका आया बेटा ये 30/7, ए का या बी का? सो बी को। अरे यार मैं यहाँ पे आपको ये एंगल देना भूल गया है ना। हेलो हाँ जी हाँ मैं जी मैं थोड़ी देर में करूँगा ना ठीक है। ये 60 डिग्री एंगल है। अभी देख लो आप इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन बी मान लो, उसका भी बी मान लो, तो पूरे सिस्टम के हॉरिजॉन्टल में ये फोर्स लग रहा है। सही बात है मतलब तो टी प्लस टी को 60, इसकी वजह से इसका एक्सेलेरेशन आ गया बी, इसका 2 kg बढ़ेगा और उसका एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल में कितना आएगा बेटा बी माइनस ए कोस 37। सही बात है मतलब तो दो वाले का एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू, तो 5 × b − a cos 37। अरे आयन तकलीफ है किसी को? टी प्लस टी बाई टू 3t/2 हो गया ये, तो ये आएगा 2b + 5b + 5 × b − 4a/5। अरे हाँ ना बोलो तकलीफ है किसी को? ये तो आ गया एक इक्वेशन हमारी सिस्टम पे बनाने के बाद। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, हम नॉर्मल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। अब नॉर्मल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो बताओ किसको लेके सॉल्व करना चाहिए? आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। हां सर। इसको इस डायरेक्शन में सॉल्व करो क्योंकि इसका एबीडी बनाओगे देखिए तो इस पे एक एमजी लग रहा है और एक नॉर्मल लग रहा है। और नॉर्मल को अगर आप इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो तो इस ब्लॉक को सॉल्व कीजिए इस डायरेक्शन में, आया ना अलोंग द इंक्लाइन। इसमें केवल इसका एम जी साइन 37 आएगा। सही बात है मतलब, और एक आएगा इस पर टेंशन, एम जी साइन 37 माइनस टेंशन शुड बी इक्वल टू इस डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन किसके बराबर आएगा एम इंटू ए माइनस बी कोस 37, राइट? तकलीफ है भाई किसी को? बट आप लोग बोल नहीं रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? सर कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है? ये टी को 60 वाले एक बार वापस बता दो ना, ए कोस ये वाला बताना है, ये वाला बताना है, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला ये वाला। यस भाई, इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन चाहिए 5 केजी का, ठीक है? और इसके पास दो एक्सेलेरेशन है, एक तो ए है इधर
और एक इधर है बी। बी तो पूरा हॉरिजॉन्टल में है ही, ए का तो कंपोनेंट आएगा ना हॉरिजॉन्टल में, ए कोस 37, सही बात है गलत बात? हाँ सर। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा? बी माइनस ए कोस 37 आएगा, राइट? यस सर। यस सर। समझ में आ रही है बड़ा बात? ये किया है उसने। तो ये एम वन ए वन, एम वन कौन है 2 kg और उसका एक्सेलरेशन कितना है बी, प्लस एम टू इंटू ए टू, ये एम टू कितना है 5 kg और उसका एक्सेलरेशन कितना है बी माइनस 4a2। अरे हाँ है ना, ये किया। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ये होना चाहिए ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू, कल करवाया था ना ये? हाँ सर। और ये सेम अपन ने इस ब्लॉक पे कर दिया अलोंग द इंक्लाइन, ये सिंगल ब्लॉक है तो इस पे चलाने का फोर्स हो गया एम जी साइन 37, रोकने का फोर्स हो गया ये टेंशन, ठीक है भाई? बराबर इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चाहिए। अब इस डायरेक्शन का चाहिए तो किस किस को लोगे? ए को पूरा लोगे और बी का कॉम्पोनेंट लोगे। अरे हाँ है ना, ए माइनस बी को 37। ठीक है भाई, अभी हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए? एक तो टेंशन हो गई, एक ए हो गया, एक बी हो गया, 3 वेरिएबल हो गए ना। इक्वेशन कितनी बनी है हमारे पास? 2 बनी। अरे हाँ या ना बोलो। हाँ सर। एक इक्वेशन और चाहिए, किसकी बनाए बताओ सर? इन दोनों को सिस्टम लेके कर सकते ना, सिस्टम लेके तो कर लिया ना यहाँ पे, ये सिस्टम लेके तो किया है। हाँ सर, सिस्टम लेके तो किया है A and B as a system. System पे net horizontal force बराबर M1 A1 plus M2 A2, यही तो किया है। और ये केवल A block को किया है। B block को करोगे तो normal involve होगा, सही बात है मतलब? इसलिए मैं B को नहीं लेना चाहता। आया ना? तकलीफ है भाई? एक वेरिएबल बिना मतलब का बढ़ गया ना अपना नॉर्मल, अपन नॉर्मल को कहीं यूज में नहीं ले। एक इक्वेशन बनेगी कंस्टेंट की, बनेगी नहीं बनेगी? रस्सी से जुड़े हैं ना दोनों? हां सर। यस सर। अरे हां है ना, दोनों रस्सी से जुड़े हैं तो रस्सी का ये एंड जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये एंड जाना चाहिए। अरे हां है ना? यस सर। यस सर। कंस्टेंट की इक्वेशन बनाते हैं। ये ब्लॉक हो गया ए, ये ब्लॉक हो गया बी। तो ये इसके ऊपर ऐसे ए से स्लाइड कर रहा है और ये इधर बी से जा रहा है, राइट? ये एल वन हो गया, ये एल टू हो गया, अरे हाय। और अगर ये बी ब्लॉक बी से जा रहा है तो ये पुली भी बी से जा रही है, सही बात है बोलते ना? हाँ सर। तो L1 डबल डैश प्लस L2 डबल डैश प्लस L3 डबल डैश शुड बी इक्वल टू 0। अरे हाँ है ना, बोलो। हाँ यस। L1 डबल डैश के बराबर आ गया 0 माइनस b। सर लेंथ डिक्रीज हो रहा है इसलिए 0 माइनस b करेंगे। हाँ अच्छा, L2 का बताइए, ये तो 0 हो गया, उसका क्या लिखें सर? 0 माइनस बी कॉस 60 होगा ना सर? हाँ, 0 माइनस बी कॉस 60, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू उसकी बी है और उसका वो कंपोनेंट लेना होता है जो रस्सी के अलोंग है, सही बात है? बात ये आपको बताया था ना, ये क्वेश्चन लेके। हाँ सर। इसका एक्चुअल वेलोसिटी होता है, उसका वो कंपोनेंट लेना होता है जो रस्सी के अलोंग है, इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन बी है और उसका वो कंपोनेंट लेना होता है जो एल टू के अलोंग है, बी कॉस 60। और एल थ्री में अब ये B के रिस्पेक्ट में देखो इसको, तो ये B के रिस्पेक्ट में A से जा रहा है, तो B के रिस्पेक्ट में ये तो रेस्ट पे है ना, A माइनस। यस सर। यहाँ से आएगा B प्लस B बाय 2 इज इक्वल टू A, सही बात होगा? A की वैल्यू आ गई 3B/2, ये लो बेटा 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर लोगे, टेंशन भी आ जाएगा, A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा।
सर आपने लेकिन सब्जीज का डबल डिफरेंशिएशन क्यों किया है L डबल डैश L2 डबल डैश? क्योंकि एक्सेलरेशन लेना था ना। अच्छा हाँ सर, सर थोड़ा और अभी दिखाना क्या है ये बताओ, पहले ऊपर वाला दिखाऊं? पहले ये देख लो, ये हो जाए तो बता देना ठीक है। सर अभी नीचे का दिखा दो ना, अरे हो गया क्या? हाँ आगे चलता हूँ। दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है? द फ्रेम मतलब जिसके अंदर ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, ठीक है ना? सर आपने इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस फ्रेम के पहले क्या लिखा जी? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब ये हो गया, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मतलब जहां से आप देख रहे हो वो रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, सही बात है मतलब? मतलब इनर्शिया के स्टेट में रहेगा वो रेफरेंस फ्रेम, व्हिच इज नॉट एक्सेलरेटेड, इनर्शिया नहीं बता,
फिर वहां पे क्या लिखा है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस वेक्टर ओके और एक्सेलरेटेड ठीक है ना दैट इज इट इज इधर एट रेस्ट इधर एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी सही बात है मतलब ये ऑब्जर्वर की स्टेट बता रहा है कि सो ऑब्जर्वर किसी चीज को देख रहा है ना उस ऑब्जर्वर का खुद का कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए मतलब या तो वो रेस्ट पे रहना चाहिए या फिर अगर वो मूव भी कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए सही बात है मतलब नॉन इनर्शियल का मतलब क्या हो गया विच हैज ए नॉन जीरो एक्सेलरेशन सही बात है मतलब हां सर नॉन जीरो एक्सेलरेशन मतलब इसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए तो इस रेफरेंस फ्रेम को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे अब आगे बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखता हूं सर आपने सेकंड लाइन में क्या लिखा है इट इज लाइटर एट इट इज ईदर एट रेस्ट अच्छा ओके सर ईदर एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी अभी बहुत इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैल्यू होता है सही बात है टेबल ऑफ टेबल यस सर अब देखो कैसे ये ब्लॉक है और ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है और मैंने आपसे पूछा कि नॉर्मल बताओ कितना लगेगा सर नॉर्मल लगेगा एम जी प्लस है कैसे कि आप ग्राउंड पे सर सुनो आप ग्राउंड पे खड़े थे और ये लिफ्ट ए से जा रही है तो आपने बोला ब्लॉक भी ए से जा रहा है राइट हाँ सर आपको ब्लॉक ए से जाता हुआ दिखाई दिया आपने इसके ऊपर एफबीडी बनाया नॉर्मल और एम जी आपने बोला देखो सर ये ब्लॉक ए से जा रहा है इसलिए ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा नीचे वाला कम होगा अगर एम इंटू ए तो आपने बोला कि सर नॉर्मल की वैल्यू होगी एम इंटू जी प्लस राइट सही बात है हाँ सर हाँ ये आपने इसको बंदा याद करा एक बंदा याद करा लिफ्ट के अंदर इसके बराबर है सही बात है मतलब इसका खुद का एक्सेलरेशन है इसका खुद का एक्सेलरेशन है ना ये खुद भी तो मूव कर रहा है लिफ्ट के साथ साथ हाँ सर इस बी बंदे से पूछा कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है क्या बताएगा ये एक्सेलरेशन इसका जीरो सर ये एमजी बताएगा ना सर एमजी विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया बी बंदे से पूछा कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है बी बंदे ने बोला कि भाई एक्सेलरेशन तो जीरो सही बात है हां सर नॉर्मल कितना रहेगा इसने इसका एफबीडी बनाया इसने बोला इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो नॉर्मल की वैल्यू एमजी यस सर तो न्यूटन का लॉ तो फेल हो गया यहाँ पे अरे हाँ यार यस सर हाँ सर न्यूटन का लॉ खाली ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए या फिर ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं उसके लिए अपने को ये पता है कि ये बात सही है मतलब इन दोनों में से ये बात अपने को कंफर्म है कि ये सही है और ये गलत सही बात है अभी नॉर्मल दो ऑब्जेक्ट के दो सरफेस के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है अपन ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये वाला नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू बी है और ये वाला नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू ए है ऐसा वर्ड नहीं बोल सकते भाई दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो लग रहा है
अब तुम कहां जाके देख रहे हो वो तो तुम्हारी मर्जी है ना। यहां पे इन दोनों सरफेस के बीच में कितना फोर्स लगा वो देख कौन रहा है इस बात पे थोड़ी डिपेंड करेगा। सही बात है गलत बात? तो नॉर्म जो फोर्स होते हैं ना वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते। अरे आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, लेकिन एक्सेलरेशन तो करता है ना। लेकिन एक्सेलरेशन करता है, इसलिए न्यूटन के लॉ, न्यूटन का जो लॉ है एफ नेट बराबर मास, तो सर जहां पे फोर्स होगा वहां पे एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो सुनो, इसीलिए इनएप्लीकेबल होता है। समझा क्या कह रहे हो? मेरी सुन ही नहीं रहे। कुछ नहीं, बोलो क्या कहना चाह रहे हो बताओ। न्यूटन का लॉ जो है वो यहाँ पे वैलिड नहीं हुआ, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम, हमारा ऑब्जर्वर जो है वो खुद एक्सेलरेटिव है। सही बात है गलत है? समझ में आ रही है बात? इसलिए ये गलत है। तो न्यूटन के लॉ है वो केवल इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, टू मेक्स द न्यूटन लॉ वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम, valid in inertial frame, we assume an imaginary force to act on the object. Sir, inertial frame is sir, or non-inertial frame? Non-inertial. Makes the Newton's law valid in non-inertial frame, we assume an imaginary force to act on object, which is called pseudo force. समझ में आ रही है बात? और उसको pseudo force बोला जाता है। हम एक imaginary force मानते हैं, और pseudo force की value क्या होती है? सर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। समझ में आ रही है बात? यस सर। हां, जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसका एक्सेलरेशन देख रहा है, एंड इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स। Direction of pseudo force. The acceleration of observer, na? Ah. Is in opposite to the direction of acceleration of observer. Opposite to the direction of acceleration of observer. Sir, मतलब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ए होगा तो सुडो फोर्स माइनस एम ए हो जाएगा। अभी सुन लो यार, सुन लो एक बार, मैं खत्म नहीं किया। अब ये जो बी के रिस्पेक्ट में अपन इस पे एबीडी बना रहे थे ना, अब इसका एबीडी बी के रिस्पेक्ट में अपन को पता है कैसे बनाना है, कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो पहले सारे लगा दो एम जी। अब आपके ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है? ऊपर की ओर है। आप इस ऑब्जेक्ट पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अज्यूम आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होगा। ये फोर्स एक्चुअली लग नहीं रहा है, परंतु ये इमेजिनरी अपन मान रहे हैं कि एक ऐसा फोर्स मानना पड़ेगा, तभी अपन सही ढंग से न्यूटन का लॉ लगा पाएंगे। सही बात है गलत बात? इसको शूडो फोर्स बोलेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होगी? एम इनटू ए। और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ऑब्जर्वर का, इसलिए इस ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा ऑब्जेक्ट। सही बात है गलत बात? इसमें मास किसका है? ऑब्जेक्ट का। और जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसका एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर कौन देख रहा है? बी। तो बी का एक्सेलरेशन। सही बात है मतलब? यस। अब ये बी कह रहा है कि ये ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि बी को तो ये रेस्ट भी दिख रहा है। सही बात है मतलब? तो बी क्या बोलेगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है विद रिस्पेक्ट टू बी, इट इज इन इक्विलिब्रियम, सो एन शुड बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ शुड। अरे आयन। यस सर। तो ये बोलेगा कि एन की शुड बी इक्वल टू mg plus m।
सही बात है बोलता yes, इसका सही आंसर है yes, ठीक है। तो ये जो अपन ने किया था ये एक्चुअली गलत है, ठीक है बेटा। आप पहले लिख के फिर क्रॉस मारना। अब बताओ पहले कौन सा दिखाऊं, ऊपर वाला दिखाऊं? सर ऊपर वाला ये लिखो। सर अब नीचे नीचे कीजिए। हो गया बेटा सभी को समझ में आया? हाँ सर। एक सेकंड सर। हाँ डन सर।
गया बेटा, सभी को समझ में आया? अब नेक्स्ट क्लास में आप एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लीजिएगा, मतलब और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है भाई? यस हाँ सर। बाय एवरीवन। बाय सर।